रहीम। हम मेज़बान महफ़िल जनाब चौधरी अहमद अराई साहब के तमाम मुस्लिम लीग टीम के शुक्रगुजार हैं। मैं पता चलूं कि पिछले चंद दिनों से हमारा जो सिलसिला चल रहा है वो इस तरह है, क्योंकि हमारी सोशल मीडिया टीम है कि हम हर इलाके के लिहाज से, डिवीज़न के लिहाज से अलग अलग प्रोग्राम कर रहे हैं। आपको हर प्रोग्राम में मुख्तलिफ कम्यूनिटी के लोग मिलेंगे। जैसे अहमद अराई साहब हैं तो उनके तलब बिहाड़ी से है, बुरेवाला से है, तो इनके साथ जो दोस्त है वो मुल्तान साइड से, उधर से है सारे गुजरा। ये जितने भी, हमारा मकसद ये है कि हर शहर से, हर जगह से मुस्लिम लीग को जो ओवरसीज में मौजूद है मुनज़म किया जाए, मजबूत किया जाए, क्योंकि बड़ा प्रोग्राम करने की ममानत है सऊदी अरब में। तो हमारा मकसद यही है कि 20-30 लोग इकट्ठे किए जाएं हर दूसरे तीसरे दिन, ताकि ये ग्राउंड बन जाए। उस ग्राउंड के सिलसिले में अल्लाह ताला की ज़ात पाक का लाख शुक्र है, हम क़यादत के मशकूर ममनून है, उन्होंने हम पर इत्माद किया। हम पे यकीन दिलाते हैं कि पिछले 30 सालों में उतना काम नहीं हुआ होगा जितना हम इन दिनों में ये काम करके दिखाएंगे अल्लाह के फजल करम से। मैं एक बात गुजारिश करना चाहता हूँ, सियासी ये ग्राउंड बन जाए। उस ग्राउंड के सिलसिले में अल्लाह ताला की ज़ात पाक का लाख शुक्र है, हम क़यादत के मशकूर ममनून है, उन्होंने हम पर इत्माद किया। हम पे यकीन दिलाते हैं कि पिछले 30 सालों में उतना काम नहीं हुआ होगा जितना हम इन दिनों में ये काम करके दिखाएंगे अल्लाह के फजल करम से। मैं एक बात गुजारिश करना चाहता हूँ, सियासी बात मैं करना नहीं चाहता, मैं जिस जगह खड़ा हूँ, लेकिन यकीन माने हम तहजीब में रहते हुए, हम तहजीब के कायल हैं, हमारा लीडर तहजीब का कायल है, हम मोहब्बत के कायल हैं, हम मोहब्बत में ही रहेंगे। छोड़ें हम प्रदेश में जो कहीं जाता है, हम नारेबाजी में पड़े हुए हैं, अपने उन दोस्तों को जो प्रदेश में है कि यार कुछ तो तहजीब का ख्याल करें, अपने वतन का ख्याल करें। हम सबस पासपोर्ट होल्डर हैं, हम सबस पासपोर्ट को ऊपर लेके जाएं, ना कि हर जगह शोर करके हम उसको रुसवा करें। पाकिस्तान है तो हमें, हम पाकिस्तान के साथ हैं। मैं इसाक डार साहब, मिस्टर अमजद साहब, चुरी नूर साहब, तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुस्लिम लीग सऊदी अरब को यकजा किया, और हम इंशाल्लाह यकजा होंगे अल्लाह ताला के फजल से इंशाल्लाह। शुक्रिया। के बजाय कि आपके ऊपर कोई एक जाहिल मुसल्लत हो जाए, अपने आप को पेश करें आगे बढ़ने के लिए, अपने आप के ऊपर कोई पागल लाने से बेहतर है कि आप खुद उस सीट पे जाएं, कल को उन मुश्किलों से, उन आसानियों से फायदा आपकी पब्लिक, आपके भाई, आपके दोस्त उठाएंगे। मैं तो हमेशा ये चाहता हूं कि सिर्फ बस सिर्फ पाकिस्तान के मामलात हैं, सारी दुनिया वहां बैठी है, हमारे बड़े भी बैठे हैं, कर रहे हैं। हमें तो 30 साल हो गए यही कहते हुए कि ओवरसीज कहाँ है, ओवरसीज।